नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप भी DL.ED या फिर BEd में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं? क्या आपका भी सपना शिक्षक बनने का है? तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि आपको DL.ED या फिर BEd कहां से करना चाहिए, कम फीस में आप जो है DL.ED एवं BEd में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसकी जो प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसके लिए कब से आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आवेदन करना रहेगा और फीस जो एडमिशन की फ़ीस रहेगी, जो स्टडी फीस है कितनी रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के और नए नए अपडेट पाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, BEd एवं DL.ED पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि क्या रहेगी? तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। कब से? 25 मार्च 2024 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है BEd एवं DL.ED में एडमिशन के लिए। और इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित है 20 जून 2024। ठीक है, 20 जून 2024 कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 मार्च से प्रारंभ हो गया है और 20 जून 2024 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होगा 25 जून 2024। प्री BEd एवं DL.ED प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके लिए संभावित डेट भी दिया गया है 7 जुलाई 2024। साथ ही साथ मॉडल उत्तर जारी एवं दावापत्ति करने की तिथि 7 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे। मॉडल उत्तर पर दावापत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2024 संभावित है और परीक्षा परिणाम घोषणा करने की अनंतिम सूची 12 जुलाई 2024 संभावित है। परीक्षा परिणाम पर दावापत्ति की तिथि 12 से 15 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित रहेगा। तो इस प्रकार ये रहा जो BEd एवं DL.ED पाठ्यक्रम में जो प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी सीट कितनी है। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है? तो दोस्तों, आप लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, जिस के बारे में BEd एवं DL.ED के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसके लिए है? पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, बिलासपुर के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से आप जो है कम फीस में जो है DL.ED BEd कर सकते हैं। क्या क्या लगेगा पूरी जानकारी आपके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दावपत्ति, ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या रहेगा। पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना रहेगा, प्री एग्ज़ाम मेरिट के आधार पर इसमें एडमिशन लेना रहेगा। प्री एग्ज़ाम में ऑनलाइन आवेदन एवं काउंसलिंग दोनों, ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ काउंसलिंग फॉर्म डलाएगा, मतलब कौन सा कॉलेज लेना चाह रहे हैं वो अभी से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय सेलेक्ट करके रखेंगे। इसके लिए 1000 रुपये का आपको शुल्क देना होगा। ठीक है, उसके देखिए BEd कार्यक्रम हेतु पात्रता क्या रहेगा। तो इसमें जो है स्नातक में 50% पाने वाले अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे। ठीक है, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको 55% लाने होंगे और ST SC OBC के कैंडिडेट को 5% का छूट दिया जाएगा, मतलब 45% वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ ही यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा DL.ED, DEd, BTI, BTC, DPE पूरा किया हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। ठीक है, यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद MCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस के अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया हो। ठीक है, यदि वह क्या है, अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है विद्यालय में क्या करा रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ देखिए ये किसके लिए है, BEd के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए DL.ED की बात करें तो DL.ED करने के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी 1000 फीस रहेगा, 50% प्राप्त किया हो, ST SC को छोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार से 45 होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राप्त हो, अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है, 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा, मतलब आप जो है
ठीक है। इसके लिए आपको 2 वर्ष का अनुभव देना पड़ेगा, मतलब आप कहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है प्राइवेट स्कूल में, वहाँ से आपको जो है इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आप जो है एडमिशन ले पाएंगे। अब बीएड की बात की जाए तो बीएड की सीट 500 रहेगा और डीएलएड की सीट 2400 है, ठीक है। तो बीएड के लिए 500 सीट और डीएलएड के लिए 2400 सीट रहेगा, जिसमें देखिए आरक्षण के अनुसार जो है सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा। अब देखिए इसके लिए प्रस्तावित केंद्र, तो बीएड के लिए ये सभी प्रस्तावित केंद्र हैं, 10 प्रस्तावित केंद्र, यहीं आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करते समय देख लेंगे कि कौन सा आपको कॉलेज चाहिए। उसी प्रकार देखिए जो डीएलएड के लिए, तो डीएलएड के लिए पहले 3 देख लीजिए ये, उसके बाद देखिए आगे और है ये किसके लिए, डीएलएड के लिए। तो डीएलएड के लिए कुल 27 जो है अध्ययन केंद्र है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इनके लिए अध्ययन केंद्र प्रस्तावित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए फ़ीस क्या रहेगा, तो फीस पर आते हैं तो देखिए जो बीएड के लिए, ठीक है, बीएड के लिए शुल्क रहेगा 27,800 रहेगा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों, ठीक है। अदर जगह आप करेंगे तो आपको 32,000 से 35,000 तक का फीस लगेगा, ठीक है, यहाँ आपको केवल 27,800 देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 1 रुपये और किसी भी प्रकार के परीक्षा शुल्क वगैरह कुछ फीस देना नहीं पड़ेगा। अदर जगह आप करेंगे तो 35,000 तक आप देंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम फीस के लिए अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ केवल 27,800 रुपये में आप बीएड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए बीएड करने के लिए डीएड होना ज़रूरी है, लेकिन रेगुलर करोगे तो फिर आप जो है रेगुलर में डीएड कोर्स करना अनिवार्य नहीं रहता है। डीएलएड की बात किया जाए तो डीएलएड के लिए आप देख सकते हैं, डीएलएड के लिए फीस रहेगा देखिए प्रथम वर्ष के लिए 10,300 और द्वितीय वर्ष के लिए 10,300 रहेगा डीएड का, और अगर आप रेगुलर करते हैं तो वहाँ आपका फीस रहेगा 20,000, ठीक है, 20,000, 18 से 20,000 रहेगा, प्लस आपको क्लास भी जाना पड़ेगा डेली, इसमें आपको केवल 10 दिन का क्लास संपर्क कक्षा करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए 12वीं के बाद 2 साल का गैप होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 साल गैप का मतलब है कि आप 2 साल किसी स्कूल में अध्ययन करा रहे हैं, मतलब स्कूल में आप स्टडी करा रहे हैं, तो उनका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। परीक्षा का आयोजन 22 जिला केंद्रों में आयोजित किया जाएगा, जो प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्री बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु नियम निर्देश इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सभी नियम निर्देश दिए गए हैं, या पीडीएफ सीधे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन आवेदन www.pwsou.ac.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, ठीक है। तो इसके इस प्रकार से जो है आप आवेदन करेंगे, और पत्र का प्रारूप रहेगा 100 प्रश्न होंगे, देखिए 2 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें प्री बीएड परीक्षा में स्नातक स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो डीएलएड रहेंगे उसमें जो है 12वीं लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पूछने का तरीका इस प्रकार से देख सकते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट साइंस वाले हैं तो साइंस से आएंगे, गणित वाले हैं गणित से, सोशल साइंस है तो सामाजिक विज्ञान से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ये किसके लिए हो गया, प्री बीएड और प्री डीएलएड, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रहा इनका सिलेबस। सिलेबस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में यह पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है ये सिलेबस आप आराम से देख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको और भी किसी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।